योग। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ का त्यौहार इस बार बुधवार को मनाया जा रहा है। बुधवार को शुभ कार्तिक मास का रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन चंद्रमा अपने रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन बुध अपनी कन्या राशि में रहेंगे। इसी दिन गणेश चतुर्थी और कृष्ण जी की रोहिणी नक्षत्र भी है। बुधवार गणेश जी और कृष्ण जी दोनों का दिन है। यह अद्भुत संयोग करवा चौथ के व्रत को और भी शुभ और फलदायी बना रहा है। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, माँ गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं के पति की उम्र लंबी और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। करवा चौथ के व्रत में नियम और सावधानियां ज्योतिषों के अनुसार जानकारों की माने तो इस बार करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन की जिंदगी संवार सकता है। लेकिन इसके लिए इस दिव्य व्रत से जुड़े नियम और सावधानी का ध्यान अवश्य रखें। आइए हम बताते हैं इस अद्भुत संयोग वाले करवा चौथ के व्रत में क्या करें और क्या ना करें। केवल सुहागिने या जिनका रिश्ता तय हो चुका है वही स्त्रियाँ यह व्रत रख सकती है। व्रत रखने वाली स्त्री को काले या सफ़ेद कपड़े कतई नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े ही पहनना फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह व्रत निर्जल और या फिर केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ के व्रत और पूजन की उत्तम विधि जिसे करने से आपका व्रत 100 गुना फल मिलेगा। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। फिर मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी वगैरह ग्रहण करके व्रत शुरू करें। फिर संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शंकर को माता पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्री कृष्ण को माखन मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरे या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। मिट्टी के करवे पर रोली बनाकर उस पर मिट्टी के करवे को रोली से बांधे और स्वास्तिक बनाएं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें, इससे उनका सौंदर्य बढ़ जाएगा। इस दिन करवा चौथ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनसे आशीर्वाद लें। पति को प्रसाद देकर भोजन कराएं और बाद में खुद भी भोजन करें। तो आप भी इन प्यारी प्यारी बातों का ध्यान रखें और अपना करवा चौथ को शुभ और मंगलदायी बनाएं। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।